अभिनंदन पत्र और उसके बाद आपका सामूहिक फोटो इस स्वागत रस्म का शुरुआती पल हैं जिनको हम सब जी रहे हैं। ये अभिनंदन पत्र मंच पे और साफा हमारे लाडले युवा और उत्साही ऊर्जावान मुख्य अतिथि जोरदार करतल धवनी से अभिनंदन करते हुए अभिनंदन नगरपालिका के चेयरमैन राउत खां जी, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डूडी जी और इनके मेजबानी दल के सदस्यों की ओर से अभिनंदन पत्र माननीय विधायक महोदय जी को अर्पित करते हुए हमारे प्राणों से भी प्रिय और हमारी आन बान शान का प्रतीक हमारी संस्कृति में शिरोधार्य है साफा। और जब साफा हमारे मस्तिष्क पे हमारे सर पे धारित होता है बहुत सारी जिम्मेदारियां बहुत सारे सारे अनुभव और बहुत सारी भावनाओं को समेटे हुए ये हमारा अभिनंदन का तरीका है और ये मधुर तरीका करतल धवनी से अभिनंदन। अतिथियों की श्रृंखला में हनुमान जी कासनिया सर प्रधान पंचायत समिति लाडनू आपका अभिनंदन करेंगे। श्री हाजी सतार खां जी मेजबान थोड़ा जल्दी से उनका नाम है अभिनंदन ना या मुझे श्री राम जी कीचड़ पंचायत समिति सदस्य निम्बी जोधा से मेरा आग्रह रहेगा कृपया मंच पे पधारें। जो मेरे क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं उनका आगे अभिनंदन की श्रृंखला में मुकेश जी खींची उपाध्यक्ष आपका अभिनंदन करेंगे। मनसब खान जी पार्षद गिरदारी जी जाट और नौसाद जी सिलावट इसी स्वागत की श्रृंखला में मनोज जी लूनिया अध्यक्ष जैन विश्व भारती लाडनू आपका अभिनंदन करेंगे। बाबूलाल जी पार्षद संदीप जी प्रजापत पार्षद और नदीप जी पार्षद जालाराम जी हमारे बीच मेहमान के रूप में विराजमान हैं आपका अभिनंदन करेंगे। श्री मोहन सिंह जी सम्मान की श्रृंखला में श्री पन्नाराम जी भामू पूर्व जिला परिषद सदस्य जी बड़गुजर को कि आप इनका अभिनंदन करें। सेवानिवृत्त और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि आपका मान और सम्मान करेंगे आग्रह रहेगा क्या आप इनका किनका अच्छा नेक्स्ट ठीक है उपाध्यक्ष बांगड़ कॉलेज डीडवाना अयूब खान जी और इनायत खान जी सीबीओ सर आपका अभिनंदन करेंगे। खानू खान जी और इदिश खान जी से आग्रह रहेगा क्या आप इनका अभिनंदन कराएं। सीबीओ सर जयराम जी का है ना आपका मान और सम्मान करेंगे सभा का अभिनंदन कराएं। सुरेश जी कासलीवाल जी या सरवण जी कुड़ी दो पधारे और अभिनंदन करें। विजय कुमार जी भोजक आपसे आग्रह रहेगा
पूर्व पार्षद मानक जी एमओ सर का अभिनंदन करें। एसएचओ साहब कहीं आवश्यक सेवा में लगे हुए होंगे, उनका भी मन की ओर से भावना स्वागत अभिनंदन। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आपका अभिनंदन करेंगे। भागचंद जी बरेडिया सर का अभिनंदन करेंगे। रहेगा आप सब करतल धवनी जरूर बजाते रहें। अभिनंदन तब हमारा फलीभूत होता है जब हम दिल से करते हैं। और साथ ही अतिथियों से मेरा थोड़ा आग्रह रहेगा कि सपा प्लीज आप थोड़ा सा सिर पे रखेंगे तो हम अमीन जी से भी आग्रह की अभिनंदन करें। मोहम्मद अली काजी जी इनका अभिनंदन करेंगे। सोरगढ़ से आग्रह देख लो एक मिनट। रामदेव जी भारी मोहन राम जी जानो अभिनंदन करेंगे रामदेव जी का। सभी सरपंच गण से मेरा निवेदन रहेगा कि आगे हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय जी का 51 किलो माला के द्वारा उनकी तरफ से सरपंच संघ की तरफ से तैयार रहे। नीति और रीति का निर्णायक है उनकी ओर से माननीय विधायक महोदय जी का अभिनंदन। और खास तौर से ये पुष्पहार अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि सरपंच संघ की तरफ से जो मांगे थी विधायक महोदय जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर कल ही उनका निदान करवा करके इनके पक्ष में निर्णय करवाया है और इस खुशी में ये अभिनंदन हो रहा है। तो जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन कि इस रस्म में हम सब अपना योगदान करें। सरपंच ललाश्री और सरपंच दयालपुरा हमारे एमएलए साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। अरे आप बोल दिया हाजी सतार खान जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। रंग डलते हुए और वो रंग भरने का काम हमारी छात्राएं करेगी स्वागत गीत के द्वारा, तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा जोरदार ताली बजाएं इन बच्चियों के लिए। अभी हमने मान और सम्मान हमारे साफे सोल माला और अभिनंदन पत्र मोमेंटो जो कि हमें इस अंचल के लिए इस बजट में जो भी आप और उनके कृतार्थ भाव में ये अभिनंदन जारी है। मन की वीणा से गो
करेंगे। स्वागत के दौर में अगली कड़ी में जेनिसो भारती लाडनू, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे विधायक महोदय जी का अभिनंदन करके स्वागत रस और आभार, क्योंकि ये संस्थान है जिसे लाडनू विश्व के नक्शे पे पहचाना जाता है, और आपके ओर से हमारे जेनिसो भारती के चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन अन्य सदस्य हमारे बीच का आभार प्रदर्शन। इनको बोलूंगे संस्कार स्कूल लाडनू, रिचपाल जी गोदारा, कृष्णा स्कूल रताऊ, कृष्ण जी कासनिया, प्रधान जी रताऊ, हनुमान जी कासनिया की तरफ से कृपया मंच पे पधारे। शीघ्रता से शिक्षक संघ, जिसमें शिक्षक संघ सेकावत, प्राध्यापक संघ और अन्य जो भी संघ, उन सब से सामूहिक रूप से आग्रह रहेगा कि आप पधारें। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, राष्ट्रीय, जो जो भी नाम हमारे शिक्षक संघों के हैं, सभी से प्रबोधक संघ या अन्य संघ, सब से भी मेरा आग्रह रहेगा। जब मैं शुरू में आपसे रूबरू होते हुए, मुखातिब होते हुए बात कर रहा था और उनके विचारों से लाभान्वित होने की भी बात आपसे शेयर की थी, उनसे आग्रह रहेगा आप भी। बहुत बड़ी शिक्षाविद हैं, आपके कर कमलों से सोल उड़ा करके माननीय विधायक मोदी जी का अभिनंदन। शिक्षक संघ की तरफ से भाई नानूराम जी गोदारा और इनके साथी रामेश्वर लाल जी पूनिया, आकाश जी दैया, सौवन जी दुखिया और इनके प्रतिनिधि मंडल में समस्त शामिल सदस्यों की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है माननीय विधायक मोदी जी का। शिक्षा के क्षेत्र में लाडनू में सराहनीय और सुनहरे कार्य हुए हैं, उनकी सराहना में ये मान और सम्मान माननीय विधायक मोदी जी का शिक्षक संघ सेकावत के अध्यक्ष नानू राम जी गोदारा और इनके स्वागत दल के सदस्यों के साथ। रेसला की तरफ से भी अभिनंदन भाई मनीष सिंगाटिया और इनके साथ सहयोगी प्राध्यापक संघ जो रेसला के नाम से जाने थे भाई रघुनाथ गोटिया, मेरे अजीज भाई नानूराम। मेघवाल समाज की ओर से अभिनंदन कालूराम जी गेनाना, शिवदान जी मेघवाल रताऊ, चेलाराम जी चंद्राई, छकनाराम जी गरबा, देबूराम जी मालासी, बंसीधर जी गेनाना, कानाराम जी मेघवाल सीमा, राजेंद्र जी मंत्री सरपंच, सुशील जी सरपंच, सुशील जी दुडिला, जगदीश जी सरपंच रोडू और मेघवाल समाज के और मौजूद साहिबान, सबसे आग्रह रहेगा। डालूराम जी मेघवाल समाज की तरफ से कालूराम जी गेनाना, शिवदान, माननीय विधायक मोदी जी का आपके पास सूची है जिनके द्वारा अभिनंदन होना है, आप कृपया व्यवस्था में सहयोग करें, एक एक करके हम सब आपको आमंत्रित करेंगे। सत्यावती मंच लाडनू की ओर से अभिनंदन पत्र मेरे पास आया है और कह रहे हैं यहाँ से पढ़ के उच्चारित किया जाए, मैं उनको अक्षर से पढ़ रहा हूँ। श्री मुकेश जी भाकर, विधायक लाडनू विकास के पथ पर निरंतर गतिमान है, बजट 2021 में आपकी मेहनत रंग लेकर आई है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, एडीजे कोल्ड एम ट्रॉमा से प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, यश और कीर्ति में इजाफा हो, इन्हीं नेक दुआओं के साथ सादर समर्पित। अल्पसंख्यक शिक्षा वाल्मीकि समाज से भी आग्रह, आप जल्दी ना करें कि वो मंच पे पधारे और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करते, आप एक महती भूमिका अदा कर। वार्ड नंबर 45 नगरपालिका लाडनू कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जी श्रीमान जी मुकेश जी भाकर, चेयरमैन रावत खां, प्रधान हनुमाना राम जी कांसनिया व सभी जनप्रतिनिधिगण व सभी पार्षदगण व लाडनू क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी नगरवासियों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।
लाडनू शहर के लिए हाल ही में बजट सत्र में हमारे ऊर्जावान विधायक मोदी जी द्वारा एडीजे कोर्ट, कृषि उपज मंडी, नया बस स्टैंड, ट्रॉमा सेंटर, अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास व राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति लाडनू शहर के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। मैं एक महिला होकर राजकीय कन्या महाविद्यालय की कमी भली भांति महसूस कर सकती हूँ। कन्या महाविद्यालय के लाडनू संचालन में मेरी छोटी बहनों की पढ़ाई करना आसान और सुविधाजनक दोनों ही होगा। वहीं ट्रॉमा सेंटर से चिकित्सा स्तर सुधरेगा और कृषि उपज मंडी से हमारे किसान भाइयों के लिए फसल खरीदना और बेचना आसान होगा। लाडनू शहर को ऐसा ही युवा ऊर्जावान विधायक की आज़ादी के बाद से लेके अब तक जरूरत थी, जो कि लगता है कि वह कमी अब पूरी हो चुकी है। विधायक महोदय के नेतृत्व में लाडनू प्रशासन का भी लाडनू की शांति व्यवस्था में पूरा योगदान रहा है, जो कि एक काबिले तारीफ है। माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद, जो कि राजस्थान विधानसभा में आपने लाडनू की जरूरतों मांगों को रखा और लाडनू के लिए इतनी सौगात लेकर आए। हमें आशा पूर्ण विश्वास है कि आप एक दिन लाडनू शहर को नागौर जिले के टॉप शहर व मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। अंत में मैं दो लाइनें विधायक जी के लिए कहना चाहूंगी। जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो, कोशिश करते रहिए बेहिसाब। जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो, कोशिश करते रहिए बेहिसाब। सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी, यकीन रखिए बड़े भाई साहब। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक मोदी जी का, महेश्वरी समाज लाडनू, आप सबकी ओर से माननीय विधायक मोदी जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित किया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र से प्रतिनिधिगण मंच पे पधारे, जो कि इनके ओपीडी के समय की वहां पर मरीज इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए इनको प्राथमिकता देते हुए हमारे बीसीएमओ और पीएमओ और इनके साथी अखिल भारतीय सेवारत चिकित्सक संघ लाडनू की तरफ से, सिंधी समाज की तरफ से लालचंद जी तेजवाणी, खूबचंद जी सिंधी, सिंधी समाज की तरफ से अभिनंदन करेंगे। बिश्नोई समाज की तरफ से पूनमचंद जी बिश्नोई, महावीर जी बिश्नोई, और एक जो कौन कौन आज व्यक्ति करा दिया, बार संघ लाडनू, जिनकी काफी पुरानी मांग थी एडीजे कोर्ट की, वो भी इस बजट में पूर्ण हुई। आपकी ओर से भी अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रदर्शन। पटवार संघ लाडनू, मुश्ताक खान जी क्याम खानी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान मुस्लिम महासभा वार्ड नंबर 2 के पार्षद अजीत सतार खान, मुस्लिम समाज लाडनू, अगला अभिनंदन करेंगे। ग्राम पंचायत सुनारी और ओडिन, सॉरी ग्राम पंचायत, एक बार रुके, ये अभिनंदन का दौर जारी रहेगा। हमारे पास सूची है, आप कृपया व्यवस्था में सहयोग करें, शालीनता के साथ आप पधारें। पटवार संघ शायद आया हुआ है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा। पटवार संघ के अध्यक्ष भाई कृष्णाराम बगड़िया और इन ग्राम विकास अधिकारी संघ लाडनू, सहायक विकास अधिकारी संघ लाडनू, आप संयुक्त रूप से
विधायक महोदय जी का अभिनंदन करेंगे। आगे में सम्मान की श्रृंखला में मान हमारा जो होता है वो जान से भी प्यारा होता है, और ये मान और सम्मान हमारे माननीय विधायक मोदी जी का, जो कि 2 साल के कार्यकाल में हम सबको एक बेहतरीन प्रतिनिधि के रूप में सेवाएं देते हुए आपके ट्रोमा सेंटर की लंबी मांग, बस स्टैंड या रिको कृषि मंडी कन्या महाविद्यालय, एक लंबी फेरी हमारी इस बजट में सफलताओं के लिए गई, तो आपका ये आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ के नागरिकों द्वारा, कर्मचारी संघों द्वारा और सभी समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति से सामूहिक रूप से प्रस्तावित है, किया जा रहा है, और इसे ऐसा लग रहा है कि आप हर व्यक्ति के प्रिय हैं, लाडले हैं, आपके प्रति आप सबका जुड़ाव है, लगाव है। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। इस बीच में जैसा कि पहले आपसे रूबरू होते हुए BCMO डॉक्टर मूलचंद जी चौधरी साहब, जो कि कोविड 2020 में और 21 में कोविड 19 का जो खतरा था उसमें अपना सुख दुख छोड़ते हुए, खतरे से सामना करते हुए हमारी सेवाएं की, उनका उद्बोधन इस मौके पे मैं चाहूंगा कि वो पधारे और अपने विचारों से हम सबके साथ रूबरू हों। बोलो बोलो। सम्मानित मंच, आज लाडनू के लाडले हमारे माननीय विधायक मुकेश जी बाकर के इस नागरिक माताएं बहने और सभी बच्चों का यहाँ स्वागत है इस प्रांगण में। जैसा कि आपको विदित है, एक युवा विधायक और उसकी युवा टीम, जिनके युवा विधायक जिनके प्रयासों से अपने लाडनू विधानसभा क्षेत्र की बहुत वर्षों से जो लंबित मांगे थी वो इस बजट में माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से बलीभूत सफल हुई है। ये चिकित्सा में एक विस्तार होगा। माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से हमारे ग्रामीण अंचल में मावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ, जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र से क्रमोन्नत हुआ, और अपने लाडनू ग्रामीण के 2 उप स्वास्थ्य केंद्र आसोटा और गुणपालिया को स्वीकृति मिली है। विधायक महोदय के आने के बाद अभी 2 महीने पहले ही अपने ग्रामीण अंचल के जितने भी चिकित्सकों के पद थे, 18 चिकित्सकों का एक साथ पद स्थापन अपने ग्रामीण अंचल में किया गया। आज दिनांक में अपने ग्रामीण अंचल का कोई भी ऐसा चिकित्सालय नहीं है जिसमें चिकित्सक का कोई पद रिक्त हो। इसके लिए मैं बहुत माननीय विधायक महोदय का आभार ज्ञापित करता हूं, और हमारे जो लाडनू विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण के उप स्वास्थ्य केंद्र है, 64 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है, और उनमें सभी में पद भरे हुए हैं। अपनी ANM बहने जो कि ग्रामीण में अपनी सेवाएं दे रही है, एक भी पद वो भी रिक्त नहीं है। और जो एक राजकीय चिकित्सालय में एक बहुत बड़ी कमी थी कि महिला चिकित्सक की कमी थी, विधायक महोदय के आने के बाद 8 सालों के बाद में पहली बार हमारे को स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा मिली थी, जिसके आने के बाद में हमारे यहाँ सिजेरियन और अन्य सुविधाओं में भी विस्तार हुआ। और अभी हाल ही में पुनः हमारे राजकीय चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय सिंह जी की पदस्थापन हुआ है। स्त्री रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर अभिमन्यु जी हैं, ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर ताराचंद जी हैं। इसके अलावा भी 2-3 चिकित्सक जो पैथोलॉजिस्ट, हमारा ब्लड बैंक का एक जो सपना है माननीय विधायक महोदय का, वो पूर्व कुछ ही दिनों में हम यहाँ से ये घोषणा कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय की आज्ञा हो तो हम वहाँ भी इसका उद्घाटन समारोह करवाएंगे। कागजी कार्रवाई अंतिम दौर में है, पैथोलॉजिस्ट का पद स्थापन हो चुका है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो अभी राज्य सरकार का जो हेल्थ वेलनेस सेंटर विकसित करने का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अपने ग्रामीण अंचल में 18 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनको हेल्थ वेलनेस सेंटर में क्रमोन्नत किया जा रहा है, तथा वहाँ पे CHO की पोस्ट
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वहाँ लगाए जाएंगे, योगा योगा के शिक्षक वहाँ लगाए जाएंगे, जो कि अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है और ग्रामीण अंचल में इससे सुविधाओं का विस्तार होगा। सिलनवाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का उद्घाटन जी ने अपने करकमलों से किया था। अभी उसके पश्चात अपने दो स्वास्थ्य केंद्र, उनके भी नए भवन बन चुके हैं मिंडासरी और मालासी में, और आने वाले समय में जैसे ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति मिली है कुछ ही महीनों पश्चात उसका निर्माण अपने राजकीय चिकित्सालय में शुरू हो जाएगा। और जब भी हमें मौका मिलता है, विधायक महोदय का इतना सहयोग रहता है, वो खुद आगे बढ़ के अभी उन्होंने आवासीय चिकित्सकों के लिए एक आवास की सुविधा अपने यहाँ कम थी, उसके लिए विधायक महोदय ने खुद ने स्वप्रेरणा लेते हुए कि भामाशाओं के सहयोग से अपने विधायकों से यहाँ पे चिकित्सकों के लिए आवास का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे हमारे यहाँ चिकित्सकों का रुकाव होगा और लाडनू की जनता को चिकित्सकों की सुविधाएं मिल सकेगी। अभी जैसा कि आपको पता है कोरोना के इस कालखंड में जैसा पूरे विश्व को इस बीमारी ने ग्रसित कर लिया, माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से, उनके विधायक कोष से 40 लाख की स्वीकृति हमें मिली थी, जिससे हमने उस कोरोना काल में पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र की मूलभूत सुविधाएं जो मेडिकल उपकरण है, बेड है, स्टेथिस बीपी अपरेटस है इत्यादि उपकरण जो कि हमें बहुत जरूरत रहती है, उनकी विधायक महोदय के एमएलए लेट से दिए गए बजट से हमने हमारे सुविधाओं का विस्तार किया। अभी भी पीछे सर आए थे तो विधायक जी का यही कहना था कि आप अब कोरोना में आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के खंड लाडनू के लिए मेरे से जैसा भी सहयोग होगा मैं हमेशा तत्पर हूँ और हम चाहते हैं कि युवा विधायक ऐसे ही अपने लाडनू विधानसभा की सेवा करते रहें और हमारी तरफ से कोई टीम में कोई हम प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक आमजन को चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। पुनः एक बार विधायक महोदय का आभार, साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब ये सरपंच एक साथ मंच पे बता रहे शेर गाजी की ओर से, मदनी जी की ओर से, मोदी जी का सभी पधारे। ये अभिनंदन करेंगे, इधर मैं जयराम जी बुल्डक सर से आग्रह अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करवाएं। ट्रस्ट है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष अलग जगह रखी है, समाज सेवा में और दलित गरीब के लिए मसीहा बने हुए हैं, आपकी ओर से ये अभिनंदन। चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भी हमारे हेमंत जी मिश्र सर बीच में हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में सेवा के वो आपके अतुलनीय योगदान में दर्ज हैं। साथ ही जो सम्मान और अभिनंदन माननीय विधायक मोदी जी का प्रस्तावित है या करना चाह रहे हैं वो कृपया मंच के दाईं तरफ से पदार्थे हुए माननीय विधायक मोदी जी का अभिनंदन करेंगे। इधर से आज अपने सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि जो इस साल का बजट राजस्थान का पेश हुआ
उसमें जो लाडनू तहसील का विशेष ध्यान रख के जो घोषणाएं एमएलए साहब करवाने में सक्षम हुए हैं उसके सम्मान समारोह के लिए अपन सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारी घोषणाएं हुई है, घोषणाएं करीब करीब हमें सबको मालूम भी है। सबसे पहले मैं लाडनू शहर से नवनिर्वाचित सभी और चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब को भी उनकी जीत की बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूं। आप लोगों ने दी इस पार्टी को इतनी बढ़िया जीत, पहले ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर गांव के लोगों ने भी दी थी, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और एक बात आपने दस दिया है, आगे बढ़ता ही आपा मांगी तीन चीजा, एक घोषणा होगी छह चीजा की, आपा मांगी भी हूं बेसी आपने गिरा दी। शहर का लोग तहसील का लोगों ने मांग करी भी दुगुनी विशेषता थे लोगों ने प्रदान करी। एक बात मैं विशेष तौर आप सब हूं जिसका आप पूरे शहर का गणमान्य लोग और गांव का गणमान्य लोग विराजमान हो, चुनाव जीतोड़ा नाम कही बिना जीतोड़ा अपन सबने सहयोग देनी पड़ी। अगर सीवरेज की योजना की भी तो जकी घोषणा हुई है दिन लागू करने का अगर आप प्रयास नहीं करियो तो वापिस कैंसिल भी उसके जिया कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई, आप बहुत बड़ी घोषणा है और बहुत लंबे समय आपने मांग ही कि भाई लड़कियां के पढ़ने के बाद बड़ी समस्या, अब आप जाना लड़की ने बाहर भेज लू, जवान लड़की ने बाहर भेज लू, माँ बाप का अचीवमेंट नहीं, एक एमएलए साहब एक एहसान करियो है आप सब पर क्या आपने लड़कियां की कॉलेज गेट घोषणा कराई। अब इन्हें लागू करने को आपने काम है लागू करने को किया क्या भाई, अब सरकारी जमीन मिलनी कम होगी, सरकारी जमीन में सरकारी ऑफिस बनगा जगह जगह नजदीक नहीं बने तो वह बननी नहीं बननी बराबर हो जाएगी। इन वास्ते आप सब ने प्रयास को करना है लड़कियां की कॉलेज शहर के मई बात पर सोचो। देखो देखो हमारे दिमाग में आई देखिए मैं बात आपने बताऊं, जैन स्कूल ही कॉलेज इतनी मोटी स्कूल ही पाबंद पड़ी है, ट्रस्ट की संपत्ति है, ट्रस्ट आवत बिने दान कर सके, ट्रस्ट आवत बिने किराए पर दे सके और लड़कियां की बहुत मौके की कॉलेज बन जाए। जेबी स्कूल की बिल्डिंग अति बड़ी है, लेबोरेटरी बनोड़ी है विमान है और लेबोरेटरी में जितना इक्विपमेंट चाहिए वह सब मौजूद है, एक रुपये कोई खर्चा को नहीं। जेबी स्कूल को भी ट्रस्ट जोड़ा है, जयचंद लाल जी भूतौड़िया को ट्रस्ट जोड़ा है, अगर वह ट्रस्ट चाहे तो भी बिल्डिंग को बहुत बढ़िया उपयोग हो सके और इस तहसील के लिए वह बहुत बड़ो त्याग कर सके। तीसरी एक केसर देवी स्कूल है, लड़कियां की कॉलेज तो भी चाल जो है लाडनू के एकदम सेंटर के माँ बिचू में कोई रिस्क नहीं है। गणपतराज जी सरावगी ट्रस्ट की जमीन कॉलेज के सामने पड़ी है तो अगर वे दे दे तो नयो कॉलेज भी निर्माण हो जावे, तो बहुत सारी संभावना है। एक माँ की बोल्डिंग बनोड़ी है सुजला कॉलेज के सामने, हालांकि दूर पड़े और निर्णय भी। दूसरों काम जिया बस स्टैंड को है तो बस स्टैंड की जमीन भी शहर के नजदीक हुई यदि बस स्टैंड बनने में फायदे है, अगर तो मान लो एक कोस आंतरे बड़को बस स्टैंड तो कोई उपयोगिता को नहीं है। आप सब ने प्रयास करना पड़ी, एक टाइम हो जद मैं नाम भूल रही हूँ मोती सिंह जी शंकर सिंह जी स्वर्गीय शंकर सिंह जी खुद मारकन आया मन क्यों आप अर्जान दिन को बस स्टैंड में बना दे दियो, बाड़िए मारी दुकान मारी वाली बस स्टैंड सरकार को बोलो, बहुत बढ़िया प्रस्ताव हो लेकिन वो आगे पार बन पड़ियो वह घोषणा बेकार होगी। भी तरीके भी एक एक रास्ता उसका है क्योंकि सरकारी जमीन शहर के नजदीक बची नहीं है। तीसरों कार्यक्रम है कृषि मंडी को है, आई समझिए कृषि मंडी में आस गया है कृषि मंडी जबकि ताल है जबकि मैं एक तो वन विभाग भाग लिया है लास्ट है या एक लाडनू के पश्चिम में एक छोटी जगह नागरिक मिल प्रयास करा आपने अपने लेवल पर और कोई सुझाव आपके ध्यान में हुई तो पहुंचा एमएलए साहब से जदबा पार पड़े ली, नहीं तो कोरी घोषणाओं की बटनों को नहीं है आ अगले बजट में कैंसिल भी हो सके। ट्रोमा सेंटर में मैं समझू कोई समस्या को ना पड़ने के मायने कोर्ट रेज हुए मुंसिफ कोर्ट रेज हुए। देखो पढ़िया लिखिया को एक बात बताऊं कतो फर्क हुआ
आगम स्रोत हुआ है। जिस दिन घोषणा हुई कोर्ट ने बड़ो कोर्ट वकील मिल और आगो पुस्तकालय बनायो जो मोटो हॉल हो जब आप सब मिल चाला आप सब मिल चाला था अगले को भी में जोश बढ़े काम करने को यो वास्ते इतना जो अपना प्रतिनिधि है धन्यवाद दूं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय जयराम जी बोर्डक सर ने अपने अनुभवों को हम सबके साथ शेयर किया। अब मैं ग्राम कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर होगा। ज्यादा समय नहीं है, धूप है, लेकिन आपसे आग्रह है कृपया आप कुछ समय के लिए हमारे साथ बने रहें। विराजे आज के अभिनंदन समारोह के मुख्य आकर्षण हमारे लोकप्रिय विधायक मोदी जी मुकेश बासर जी, मंच पे विराजमान लाडनू मंडल के चेयरमैन श्रीमान रावत खान जी, वाइस चेयरमैन श्रीमान मुकेश सिंह जी, प्रधान जी, उप प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान पालूराम देनाना जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, लाडनू विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी गुरुजनगण, सभी सम्मानीय नागरिकगण, मातृशक्ति विधायक जी की युवा टीम व समस्त मीडियाकर्मी, आज हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि और इन्होंने इतने अच्छे कार्य भी करवाए हैं। हमने जो इन्हें मत रूपी ऋण दिया था, इनके कार्यक्षमता की गति को देखकर लग रहा है कि ये अपने ऋण को उतारने पूरी ताकत के साथ लग गए थे। तो शिक्षा विभाग में हमारे जो गुरुजन हैं वो दूर दराज के जिलों में लगे हुए थे, उनको श्रीमान जी ने जिन्हें जिला गृह जिला भी नसीब नहीं हो रहा था उनको गृह तहसील में लगा कर गुरु का सम्मान किया है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बात करें हम चिकित्सा विभाग की तो कई वर्षों से दिक्कत चल रही थी, हमारे आमजन को जो राहत पहुंचाने कार्य किया है उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। सबसे बड़ी हमारी आम समस्या होती है पानी की, पानी के लिए श्रीमान जी ने लाडनू विधानसभा क्षेत्र के लिए 17 करोड़ का जो बजट पास करवाया है और पानी की समस्या को हल करवाने के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाडनू शहर के लिए आपने लगभग 15 करोड़ की पंप हाउस योजना लागू करवाई है श्रीमान जी, वो भी लाडनू शहर के लिए एक राहत का कार्य है। हम सीधे आते हैं बजट 2021-22 पर, तो हम बात करेंगे कन्या महाविद्यालय की। आस पास के क्षेत्र में यहाँ निजी विद्यालय कन्या महाविद्यालय तो हैं पर राजकीय महाविद्यालय नहीं थे, इसके लिए आपने प्रयास करके और बजट में हमें कन्या महाविद्यालय की घोषणा करवाई, इसके लिए श्रीमान आप धन्यवाद के आभारी हैं। हम बात करेंगे आगे एडीजे कोर्ट की, तो हमारे वकील ने काफी दिनों से धरना प्रदर्शन भी किया था, तो इनकी मांग के अनुरूप श्रीमान जी ने विधानसभा में इनकी मांग को रखा और यहाँ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लगवाने के लिए एडीजे कोर्ट खुलवाने का निर्णय लिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बात करेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए जो कृषि उपज मंडी आपने खुलवाने की जो प्रस्ताव रखा है और बजट में जो जगह दिलवाई है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आते हैं ट्रॉमा सेंटर पर चिकित्सा के लिए जो सुविधाएं बढ़ती है तो सुविधाएं भी होती हैं, हमारे यहाँ आसपास में बहुत सारे NSO जो और जो नए सेल्समैनी हैं उनके वजह से आमजन को जो आए दिन जो नए एक्सीडेंट होते रहते हैं आमजन उसके लिए परेशान होते हैं, दूर दराज के जाने के लिए उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है तुरंत, तो उन्होंने उनके लिए ट्रॉमा सेंटर की जो व्यवस्था इन्होंने घोषणा करवाई है, इसके लिए आमजन को लाडनू विधानसभा क्षेत्रवासियों को आसपास के गाँव को राहत का एक कार्य किया है। सर अब मैं आपको आगे एडवांस में बधाई देना चाहेंगे आपको पूर्वोत्तर राज्य किया। अब मैं स्वागत की कड़ी में युवा युग की तरफ से परवीन जी जोशी हरियाणा समय फिर भी विराजे हुए हैं। आज सब हमारे माननीय विधायक महोदय जी का अनुभव और उनके विचारों से लाभान्वित होंगे। जो हमारी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है बजट सत्र में, इसके बाद हमारे ये स्वागत का दौर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन पहले एक बार हम माननीय विधायक महोदय जी को सुनते हैं और उसके बारे में हैं अभिनंदन करना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं। पधारे, अभिनंदन का दौर जारी है, फिर हम सब विराजे और इनका अभिनंदन जो ऐसे होता है हम सब विचारों से लाभान्वित होंगे, परिचित होंगे और उसके बाद हमारे
जो कि हमारे प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवियों ने, मामाताओं ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा, तो उसके लिए भी मैं नथुराम जी बाकर सर से भी नथुराम जी बाकर और इनके साथी अभिनंदन कर रहे हैं। निम्बी जोड़ा से हमारे ग्राम के प्रिय नागरिकगण अभिनंदन करते हुए सामने मेरा आग्रह रहेगा, कुछ साथी जो जिसमें हमारे माननीय विधायक का आपके लिए बहुत अति आवश्यक कार्य हुआ है, लेकिन यदि संभव है तो आप थोड़ा समय हमारे साथ और शेयर करें, उसके बाद हम सभी यहां से प्रसन्नता और खुशी के साथ विदा होंगे। नसीर खान जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य गिरडोदा से आग्रह कि वो भी अभिनंदन करें। बीसाईती समाज की तरफ से अभिनंदन। रेशा पी प्रधानाचार्य की तरफ से रामनिवासी बीड़ा सर। उसके बाद हमारे बीच माननीय विधायक मोदी जी का उद्बोधन और उसके बाद हमारे कोविड और मीडिया जो कि सबसे मुख्य हमारे बीच उद्बोधन अपने विचार अपनी वाणी से लाभान्वित करवाएं। युवा हमारे वरिष्ठ साथी बड़ा बास युवा मंच की ओर से भी अभिनंदन। प्रतिनिधि नेतागण मौजूद हैं जो कि आज माननीय विधायक मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। महबूब अली जी रोडू, रमेश जी दाइमा जसवंतगढ़, आप सभी जिला परिषद सदस्य मुश्ताक जी से आग्रह कृपया मंच में पधारे। मालाओं का दौर आमने सामने पहना करके एक परिवार के मिलन मुश्ताक जी का मान और सम्मान करेंगे हमारे युवा दिलों की धड़कन कैलाश जी निठारवाल। महिलाएं भी जो कि आम महिलाएं हैं लेकिन इनके भाव जो हैं हमारे विधायक मोदी जी के प्रति। मंडल और चेयरमैन साहब द्वारा रखे गए इस नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच पर विराजमान प्रधान जी, चेयरमैन साहब, जैन विश्व भारती ट्रस्ट से पधारे मनोज जी, बागचंद जी, नरेंद्र जी सहर, चीफ काजी साहब, वाइस चेयरमैन, उप प्रधान जी, जिला परिषद सदस्य जयराम जी बूढ़क साहब, सावित्री गरवा जी, पन्नालाल जी बांबू साहब, परसाराम जी बेंदा साहब, कैलाश जी निठारवाल साहब, श्रीराम जी खिचड़ साहब, खिवाराम जी गिठाला साहब, पूर्व चेयरमैन होशियार अली जी, बीसीएमओ मूल जी, हाजी सत्तार साहब, मंच पर विराजमान सारे विभागों से पधारे सारे अधिकारीगण, सामने विराजमान सारे नागरिक अभिनंदन में पधारे सारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और माताएं बहन, आज विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय चेयरमैन साहब का, ईओ साहब का, पूरी नगर पालिका की टीम का कि एक सुंदर नागरिक अभिनंदन समारोह आपने रखा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सवा दो साल पहले आप लोगों ने मुझे विधायक की जिम्मेदारी लाडनू की दी और मैं समझता हूं कि आज अगर मैं
इस मंच पे आज बोल रहा हूं तो मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को उस विधायक के तौर पर आज आप लोगों के सामने पेश कर पाया हूं, सफल रूप से आप लोगों के सामने खड़ा हूं। क्योंकि चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाना मेरे सामने बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती में सब बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, माताओं बहनों का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और उसी की वजह से जहां कहा जाता था कि 10 से ऊपर सीट कांग्रेस पार्टी की अब तक जब से पंचायती राज चुनाव शुरू हुआ है तब से अभी तक नहीं आई है और वो आप सब लोगों ने करके दिखाया और एक बड़े बहुमत के साथ प्रधान और उप प्रधान कांग्रेस पार्टी के बने। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का समय आया लोकल बॉडी इलेक्शन से, उसमें भी कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि कैसे भी जो शहर पहले से जिस कलंक को लाडनू भोग चुका है सांप्रदायिकता के, उसको फिर से फैलाने का प्रयास किया। लेकिन जो मंच पर बैठे, सामने बैठे जो 36 कौम के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं, उन्होंने ये भांप लिया कि आपस में बांटने से, आपस में लड़ाई से कुछ मिलने वाला नहीं है, सब लोग एक साथ रहे तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी हम लोग कांग्रेस पार्टी का बनाने में सफल रहे। पिछले 2.25 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने विशेष सहयोग, प्यार, स्नेह मेरे से रखा और मैंने भी ये प्रयास किया कि आप लोगों की उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं और उसका मैंने भी पूरा प्रयास किया। आप लोगों का विशेष सहयोग मेरे साथ रहा और जब दोनों चुनाव हम लोग जीत गए, जब बोर्ड कांग्रेस पार्टी का दोनों में पंचायत राज और नगर पालिका में बन गया तो उसके बाद मेरे लिए चुनौती थी कि अकेले चुनावों से, आप लोगों की बातों से काम चलने वाला नहीं है। जो विकास के मामले में लाडनू पिछड़ा हुआ था, हर काम के हम लोगों के लिए या तो डीडवाना जाना पड़ता था या सुजानगढ़ जाना पड़ता था, बहुत से जो जरूरी ऑफिस थे वो भी यहां नहीं थे। मैंने पिछले 2 बजटों में भी प्रयास किया, एक पानी की समस्या मुख्य तौर पर लाडनू की थी कि हम लोग एक फ्लोराइड का पानी सब लोग पिछले कई सालों से पी रहे थे, उसको लेकर बजट पास कराने की चाहे बात हो या फिर जो पिछली बार जो अल्पसंख्यक बालिका महाविद्यालय छात्रावास, इस लाडनू की मुख्य तौर पर मांग थी वो पिछले बजट में पास हुआ। और जब ये बजट आया तो उस समय अखबारों में भी छपी और सब लोगों ने कहा वो छात्रावास वो आपसी विवाद की वजह से रुका क्योंकि उसका बजट नागौर में हम लोगों का जो अल्पसंख्यक विभाग का ऑफिस में वो उसमें आया हुआ है, वो काम जमीन के अभाव में रुका हुआ था। और जब पुनः बजट की बात आई तो वकील साथी मेरे पास आए, इन्होंने कहा साहब जेएम ऑफिस सिर्फ लाडनू में है। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले ऐसी जेएम होगा उसके बाद एडीजे कोर्ट होता है, तो इन्होंने कहा साहब हम लोग एडीजे कोर्ट मांग रहे हैं, ऐसी जेएम मिल जाए या यहां कैंप हो जाए तो ही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं सब लोगों को आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रयास से, मेरे प्रयास से वो एडीजे कोर्ट के तौर पर लाडनू में आप लोगों को मिला। कन्या महाविद्यालय की बड़ी मांग थी क्योंकि लाडनू जो जैन विश्व भारती हमारी संस्था है वो इस लाडनू का नाक है और जहां भी हम लोग जाते हैं वो एक पहचान के तौर पर हम लोगों की बनी हुई है। लेकिन एक सरकारी कन्या महाविद्यालय की मांग थी क्योंकि सुजला कॉलेज दूर रहता है और हमारे जो अभिभावक है वो बच्चियों को सिर्फ दूरी की वजह से वहां नहीं भेज पाते, तो मेरा प्रयास था कि शहर के अंदर अगर कॉलेज होगी तो हम लोगों को सुविधा मिलेगी और वो कन्या महाविद्यालय भी इस बजट में घोषित हुआ। ट्रॉमा सेंटर की मुख्य तौर पर मांग थी, कृषि उपज मंडी उसकी मुख्य तौर पर मांग थी, रिको की मुख्य तौर पर मांग थी,
इन सब मांगों को इस बजट में लिया गया। इसके लिए मैं सरकार का इस मंच से नागरिक अभिनंदन में सारे लाडनवासियों की तौर से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि चाहे आपके मान सम्मान का हो चाहे काम का, इस 5 साल में आप लोगों से जो जो वादे किए वो मैंने 2 साल में प्रयास किया और बचे हुए 3 साल में जितना प्रयास होगा उतना प्रयास करके आप लोगों के इनामों पर और खरा उतर सकूं। पुनः एक बार मैं नगरपालिका मंडल का बादचंद जी बरेडिया जिनका मुख्य तौर पर ये विजन था कि हम लोग मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम लाडनू में रखना चाह रहे हैं, इतनी मांगे कई सालों की जो पूरी हुई है, तो मैं उनको भी चेयरमैन साहब को विशेष तौर पर, वाइस चेयरमैन साहब को, सभी पार्षद गणों को, सभी सरपंच गणों को, सभी जनप्रतिनिधियों को और जो यहाँ सामाजिक संस्थाएं आज यहाँ पधारी है, सब समाज के लोग पधारे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम रखा, सब लोगों से मिलने का मौका मिला। और एक बात और इस मन से आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कई ये बातें कह रहे थे बजट में घोषणा होती है और वो काम हो नहीं पाता है, तो मैं इस मंच से आप लोगों को कहता हूं कि अगला बजट आएगा तब तक हम प्रयास करेंगे कि सबके साथ काम कर लिए जाए। सरकार ने विभागों से लिस्ट मांग ली है, जैसा जयराम जी बूढ़क ने कहा कि हम लोगों को कहीं जमीन की समस्या आएगी क्योंकि सरकारी जमीन है नहीं, जो बाकी वन विभाग और जो दूसरी जमीनें जिन पे हम निर्माण कर नहीं सकते, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारे भामाशाह हैं, उन सब से मिलकर ये सारे काम, आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि इस बजट में जो जो घोषणाएं वो सब के सब काम जमीन पर होंगे और आप लोगों को सुविधाएं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जो संघर्ष और जो सफलताएं हैं उनको मैं पुनः उच्चारित करूं तो समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन बहुत बहुत आपका योगदान रहा है और एक व्यक्ति के जीवन के लिए जो मूल आवश्यकताएं थी उन पे आपने हर पक्ष को समेटते हुए, सबका कल्याण करवाते हुए, सबकी सेवा करते हुए, उनसे जुड़े हुए हितों को साधते हुए जो बजट के अंदर घोषणाएं कर रही है, जोरदार कर, और आगे भी इसी तरह हमें सफलताएं मिलती रहे। अब मैं मीडिया से हमारे बीच पधारे हुए हैं, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरते हुए इनका रिपोर्ट और कवरेज करते हैं, माननीय विधायक महोदय जी इनका अभिनंदन करेंगे, बिलाल जी आसपास, अनूप जी तिवाड़ी राजस्थान, जी राजस्थान न्यूज, मोहम्मद अली जी A1 TV, अब्दुल बकर जी पंजाब केसरी, अरशद जी पड़ियार, अशरफ खान जी, राम सिंह जी, सुरेश जी खींची, मुश्ताक खान जी, सलीम खान जी, आप सभी से आग्रह कि आप मंच पे पधारें, आपका माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा साफा और सॉरी सॉल और माला द्वारा अभिनंदन करेंगे। राम सिंह जी रेगर मंच में पधारे। राम सिंह जी आए, सभी की इच्छा है। और भी मीडिया से मैं नाम नहीं बोल पाया हूं तो इरफान जी, महेश जी सांकला, ये नाम तो एक प्रतीकात्मक बोले हैं, बाकी मीडिया से जुड़े हुए सभी पत्रकार संवाददाता संपादक गणों से मेरा आग्रह है कि आप मंच में पधारे। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और चौथे स्तंभ का सक्रिय रहना हम सब के लिए एक स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, वो हम सबके बीच परिलक्षित हो रही है। माननीय विधायक महोदय जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं और ये निर्लिप्त रूप से तटस्थ भाव से न्याय को सर्वधार्य रखते हुए अपनी पत्रकारिता करते हैं और वो पक्ष हमारे सबके सामने लाते हैं जो हम सबके लिए सूचनाओं और जानकारियों में होते हैं, तो आपका अभिनंदन।
रहेगा कि वो भी पधारेंगे और विधायक मोदी जी के कर कमलों द्वारा एक मोमेंटो और माला अभिनंदन सब। इनमें मेरा आग्रह रहेगा मेड़तिया सिलावट समाज, युवक परिषद, मोहित जोशी, राजस्थान मुस्लिम युवा संगठन, जैन विश्व भारती संघ। काबिलियत और सूझबूझ से राजस्थान सरकार द्वारा टेस्ट बजट में बहुत सारी घोषणाएं कराना विधायक जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, नागरिक की अभिनंदन करता हूं। यह मंच पर मौजूद सभी जिला प्रमुख, जिला उपप्रधान जी और प्रधान जी और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य और सामने बैठे पार्षद गण और सामने बैठे पत्रकार और सभी सामने बैठे नागरिकगण और सभी को धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घोषणाएं बजट में करवाई है वो एमएलए साहब ने लाड़ू के विकास को एक सरकला के क्षेत्र में देख के बनाई है। हर क्षेत्र को मतलब ये ध्यान रखा गया है, किसान का रखा गया है, व्यापारी का रखा गया है, क्षेत्र चिकित्सा का रखा गया है, शिक्षा का रखा गया है, मतलब हर क्षेत्र में घोषणा कराई है जो विस्तार से विधायक साहब ने बता दिए। किसानों के लिए कृषि मंडी और नागरिकों के लिए बस स्टैंड बनाया है आधुनिक, मतलब घोषणाएं करवाई है और बालिका जो है उनके लिए कन्या विद्यालय स्वीकृत कराया है। यानी जो भी घोषणाएं कराई वो विकास के देखते हुए सब क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए घोषणा कराई है, जिसका पूरी नागरिक जनता शुक्रिया अदा करती है। और इसी साथ में अपना पद ग्रहण करता हूँ।